डायलिसिस तो बाद जिंदगी खत्म नहीं हुंदी अगर व्यक्ति अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखे। सेहतमंद खान पान अते डाक्टर दे कहे अनुसार दवा लवे अते डायलिसिस करवावे तो आम आदमी की तरह ही जिंदगी जी सकता है। यही संदेश देने दे लई 6 डायलिसिस करवा रहे मरीज जलंधर तो दिल्ली तक बाइक चला के जा रहे हैं। इन्हां 6 विचों एक मरीज रोहतक निवासी सुधीर सैगल अमृतसर पहुंचे अते लोगों नूं समय ते डायलिसिस करवाण दा संदेश दिता। हमारा जो बिलीफ है वो ये है कि अगर कोई डायलिसिस करने लगता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनका नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो जाता है। वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जैसे हम लोग एक दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं स्पोर्टिंग इवेंट 29 अक्टूबर को, तो जिसमें 500 लोग आएंगे इंडिया भर से डायलिसिस में खेल कूद में भाग लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से पहले अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जलंधर से दिल्ली बाइक राइड कर रहे हैं। जलंधर से दिल्ली 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमारे यहाँ 6 ऐसे गेस्ट हैं, हम मरीजों को मरीज़ नहीं बोलते, गेस्ट बोलते हैं, 6 ऐसे गेस्ट हैं जो जलंधर से दिल्ली कुछ कुछ डिस्टेंस तक राइड करके दिल्ली तक बाइक पहुँचाएंगे 12 तारीख को। तो ये अवेयरनेस जनरेट करने के लिए है कि अगर किसी को डायलिसिस हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई। इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। एंड वंस यू गेट डायलिसिस, लाइक अब हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना है वो कराइए। उसके अलावा आप जो वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकते हैं। मतलब हमारे किडनी ख़राब होने से अब डायलिसिस चलता है और उसी का है। ये कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं थी, किडनी पता लगा कि किडनी ख़राब हो गई, उसके बाद ये डायलिसिस चल रहा है 3.5 साल से। अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायलिसिस में तो कोई ऐसा नहीं है, लगभग 2000 रुपये पर उसका होता है। अमृतसर तो गजेंद्र सिंह किंग की रिपोर्ट, चैनल 2।